हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुज के बारे में हम पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए इस कक्षा में कुछ अभ्यास प्रश्नों को इस कक्षा में हम करते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करके हम समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के बारे में जानते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। समांतर चतुर्भुज ABCD और आयत ABEF एक ही आधार पर स्थित हैं और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं। कैसे हैं बराबर हैं? दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है। इतना आपको क्या दर्शाना है कि ABCD आपको एक आयत चतुर्भुज दिया गया है और एक आपको आयत दिया गया है ABEF, और एक ही आधार पर स्थित है दोनों और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं। क्षेत्रफल कैसे हैं? उनके क्षेत्रफल बराबर है। और दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज़्यादा होगा आयत के परिमाप से। तो अब देखिए, आपको दिए गए हैं यहाँ पर ABCD, आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इस प्रकार आ गया। अब इसमें एक आपको आयत दिया गया है, ये इसमें E पॉइंट और ये आपको F पॉइंट दिया गया है। तो आयत आ गया आपका ABEF बन गया। आयत क्या बन गया आपका? ABE और F। और आपका चतुर्भुज क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज आपका ABC और D। ये बात आपको क्लियर हुई? अब AFD में हम देखेंगे। AFD आपका, ये देखिए एक त्रिभुज निकल रहा है यहाँ से, त्रिभुज AFD में देखेंगे, जिसमें F क्या है आपका? 90 डिग्री। F क्या आ गया आपका? 90 डिग्री। और आयत का कोण उसी प्रकार AD और AF। अब AF आपका कहाँ है? ये रहा AF और AD। तो AD क्या है आपका? कर्ण है इसमें, ठीक है। तो आपका जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो AD AF से बड़ा है। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि AD बड़ा है AF से। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब दोनों और AB जोड़ने पर, तो AD में क्या जोड़ दिया? AB, और AF में भी क्या जोड़ दिया आपने? AB। ये बात आपको क्लियर हुई? हमने AD प्लस AB जोड़ दिया और उसी प्रकार AF प्लस AB हमने यहाँ जोड़ दिया। अब दो से गुणा कर देंगे तो 2 AD प्लस AB, और ये आ गया आगे AF प्लस AB। ये बात आपको क्लियर हो गई कि 2 से गुणा करी तो हमारा क्या आ गया? 2 AD प्लस AB, और ये बड़ा है आपका किससे? 2 AF प्लस AB। अब समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है वो बड़ा होता है आयत के परिमाप से। ये बात आपको क्लियर हो गई कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से बड़ा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 9.30 में भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार स्थित हैं कि BD और EDE और EC हैं, और दर्शाइए कि ABD बराबर है ADE के और AEF बराबर है तीनों एक दूसरे के। तो AB, DE और C आपको दिया गया है। आपको क्या करना है? ये देखिए, AB D आपका आ गया, आपका आ गया ADE एक बन गया, और एक आपका बन गया AEC या ACE हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, ABD ये तीनों आपके बराबर आ रहे हैं कि एक ही भुजा से लिए गए हैं। देखिए इस प्रकार, क्या आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जो आपके इस अध्याय की भूमिका में छोड़ दिया था? किस प्रकार कि क्या बुधिया का खेत वास्तव में बराबर क्षेत्रफल के 3 भागों में विभाजित हो गया है? तो आपका क्या है क्षेत्र? क्या है? त्रिभुजाकार खेत था आपका, और वो बराबर भाग में वो डिवाइड कर दिया गया। कैसे भाग में डिवाइड कर दिया गया? इसको हम बराबर शेप में ले लेते हैं। ये देखिए, तीनों की क्या आ गई? यहाँ से बराबर शेप आप बना लेंगे, तो तीनों की क्या आ गई? बराबर शेप आ गई। तो हम किस प्रकार निकालेंगे अब देखते हैं। अब ABE में AD क्या है? माध्यिका है। आपको दिख रही होगी AD क्या है इसकी? माध्यिका है। तो AD क्या आ गई आपकी? माध्यिका। उसी प्रकार आप क्या देखेंगे
कि BD बराबर है DE के, BD किसके बराबर है DE के, अतः ABD बराबर है AED के, तो ABD बराबर है AED के। ये बात आपको समझ में आई कि ABD, ये देखिए ABD आपका बराबर है AED के, AED के। ये बात आपको क्लियर हुई। अब त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उसकी जो माध्यिका है, देखिए इस प्रकार उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो माध्यिका ने क्या करा, आपको दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया। माध्यिका क्या थी, AD, और AD ने इसको दो त्रिभुज ABD और ADE दो में विभाजित अच्छे से कर दिया। अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज ADC में और AE माध्यिका है। अब देखिए इसमें AE माध्यिका है, अब क्या आ गई, AE आपकी माध्यिका आ गई। ये बात आपको समझ में आई। और ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2 कि ADE बराबर है AEC के। अब ये दो भाग आपके बराबर हो गए, अब आपके इस दो पार्ट्स में इसने इसको बराबर डिवाइडेड कर दिया और ये बराबर हो गए। अब समीकरण नंबर आपका क्या आ गया, अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से आप क्या लेंगे, ABD बराबर ADE बराबर AEC। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो तीनों त्रिभुज कैसे हो गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो वास्तव में बराबर क्षेत्रफल तीन भागों में विभाजित हो सकता है, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये बात आपको क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 9.31 में ABCD, DCEF और ABFE समांतर चतुर्भुज है। कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज है। दर्शाइए कि ADE बराबर है BCF के, ये हमें दर्शाना है। तो अब देख लीजिए त्रिभुज आपको दिया गया है ABE और F इस प्रकार दिया गया है, और D और C आपको एक बिंदु दिए गए हैं, और इनसे हमने मिलाकर एक त्रिभुज बनाना है। ये देखिए इस प्रकार हमारा बन गया। और ADE और BCF में हम देखेंगे कि AD बराबर है BC के, क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं, क्या है ABCD की, ABCD क्या है, ये रहा आपको दिख गया होगा लगी ये वाला, इसकी ये समांतर चतुर्भुज आ गया निकल के, कि सम्मुख भुजाएं AD और BC, AD और BC, ये आमने सामने की सम्मुख भुजाएं हो गई। अब देखिए DE और CF, DE और ये CF, ये क्या हो गई, ये भी सर्वांग समांतर चतुर्भुज जो आपका DCEF की सम्मुख भुजाएं हो गई। अब AE बराबर FB समांतर चतुर्भुज ABFE की सम्मुख भुजाएं हो गई, और ADE बराबर हो गया BCF के, ये बराबर भी होगा और ये सर्वांग समता के नियम को भी पूरा करते हैं, क्या ADE ये त्रिभुज और BCF आपका ये त्रिभुज, दो त्रिभुज हमने यहाँ से निकाल लिए, ये क्या हो गए, बराबर हो गए। और एंगल ADE बराबर है एंगल BCF के, और क्या है, समरूप भी है सर्वांग समता के नियम से, साइड एंगल साइड आ गया। अब ADE बराबर है BCF के, क्या आ गया, सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपके हमेशा क्या होंगे, बराबर हो गया। और ADE बराबर हो गया BCF के, ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 4। आकृति 9.32 में ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और BC को एक बिंदु Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD आपका बराबर हो गया CQ के, और AQ भुजा DC को P पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि BPC बराबर है DPQ के, BPC इज इक्वल टू DPQ, BPC ये आ गया आपका किसके बराबर आ गया, आपके DPQ के, आपका किसके बराबर आ गया, DPQ के। ये एंगल आपके दो बराबर आ गए, एक ये एंगल और एक ये वाला आपका एंगल आ गया, दोनों कोट के आ गए आपके बराबर।
तो आपने क्या ले लिया, बीपीसी, और ये दोनों बढ़िया में दर्शाना है तो एसी को मिलाइए। तो हमने क्या किया, ए से सी तक मिला दिया। ठीक है, एसी को इस प्रकार हमने यहाँ से मिला दिया, और क्या है, ए डी पी, और ये क्या आ गया, ए डी पी और एंगल क्यू सी पी में क्या देखते हैं कि ए पी डी बराबर है क्यू पी सी के, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपके बराबर हो गए, ए डी पी बराबर है क्यू सी पी के, ये क्या होगा आपके एकांतर कोण, कैसे हैं एकांतर कोण, इनका अंतर क्या है, बराबर है। ए डी बराबर क्या हो गया, सी क्यू, ए डी बराबर क्या हो गया, सी क्यू, ये आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। और ए बी डी बराबर है ए सी डी के, बराबर भी है और समरूप भी है सर्वांग समता के नियम से, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब डी पी बराबर हो गया किसके, सी पी के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपके बराबर होते हैं। अब सी डी क्यू में देखेंगे, क्यू पी क्या है, माध्यिका है, डी पी और सी पी क्या हो गया आपका, बराबर, डी पी इज इक्वल टू सी पी, तो डी पी और एक आ गया आपका सी पी, तो डी पी इज इक्वल टू सी पी, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए डी पी क्यू में, क्यू पी सी में, अब देखिए त्रिभुज की माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि पी बी क्यू में पी सी क्या है, माध्यिका है, और ए डी बराबर है सी क्यू के, अब ए डी देख सकते हैं, ए डी किसके बराबर है, सी क्यू के, और ये क्या हो गया आपका, ए डी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है क्यू सी के, और आपका क्यू पी सी बराबर है बी पी सी के, समीकरण नंबर दो आ गया आपका। समीकरण नंबर एक और दो से क्या लेंगे, बी पी सी बराबर है डी पी क्यू के। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 5। आकृति 9.33 में ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। देखिए डी भुजा किसका है, बी सी का मध्य बिंदु है, क्या हो गया, मध्य बिंदु, ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए यदि ए ई भुजा बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि, अब देखिए ए ई भुजा बी सी को, तो ए ई भुजा बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है आपको, एफ पर काटती है, तो दर्शाइए कि फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी डी ए डी ई बराबर 1/4 ए बी सी के, सेकंड क्या आ गया, ए बी डी बराबर 1/2 ए बी ए ई, थर्ड क्या आ गया आपका, ए बी सी बराबर आपका आ गया दुगना बी ई सी के, फोर्थ क्या आ गया, बी ई ई बराबर हो गया आपका ए डी एफ के, और फिफ्थ क्या आ गया, बी एफ ई बराबर हो गया दुगना किसके, एफ ई डी के, और आपका एफ ई डी बराबर हो गया 1/2 ए एफ सी के। अब रचना में देखिए इस प्रकार हमारा पूरा बना हुआ है ये त्रिभुज, चतुर्भुज। अब देखिए ई सी और ए डी को हमने मिला दिया, ई सी और ए डी को इस प्रकार हमने मिला दिया। अब बी सी क्या इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे, और ए बी सी क्या हो गया आपका √3/4 एक्स स्क्वायर, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब बी ई डी क्या आ गया, पूरा फॉर्मूले में रख दिया, तो डी भुजा बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, ये आपने देख लिया था, और हमने 1/4 इसका फॉर्मूला इसमें रख के, तो आ गया 1/4 ए बी सी। अब देखिए सेकेंड आपका आ गया ए बी ई सी में, बी ई डी क्या है, माध्यिका, तो डी बिंदु बी सी का मध्य बिंदु है इसके प्रकार से। अब ई डी ई क्या आ गया, 1/E बी ई सी, समीकरण नंबर एक आ गया। अब त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। अब त्रिभुज ई बी सी बराबर 60 डिग्री, त्रिभुज बी सी ए 60 डिग्री, और समबाहु त्रिभुज के कोण क्या हो गए, बराबर, इसलिए एंगल बी सी ई एंगल बी सी ए, यहाँ एकांतर कोण ई बी सी बराबर ई सी ए बराबर है, और बी ई आपका समांतर है ए सी के, त्रिभुज बी ई सी ए ई एक ही समांतर, एक ही आधार बी ई और एक ही समांतर रेखाओं बी ई समांतर ए सी के बीच स्थित है। अब क्या देखेंगे कि बी ई सी बराबर है बी ए एफ के, समीकरण नंबर दो, यदि त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो क्षेत्रफल में बराबर, समीकरण 1,
टू, अतः क्या होगा इसके बी डी ई बराबर आ गया 1/2 डी ए ई के। अब देखिए थर्ड वाला आपको दिया गया है बी सी, बी ई सी बराबर ई डी की माध्यिका, तो बी सी का मध्य बिंदु हो गया। इसी प्रकार फॉर्मूला रख लिया हमने समीकरण नंबर 3, और त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्र वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो बी डी ई 1/4 ए बी सी, 3 और 4 से ले लिया तो ये भी आपका आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब फिफ्थ देखिए ए बी डी क्या है 60 डिग्री, बी डी ई क्या है 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज के कोण। अब दोनों को बराबर रख लिया, एकांतर कोण आ गए, दोनों बराबर हैं। बी ए पैरेलल है किसके, समांतर है ई डी के, और बी ई डी और ए डी आधार पर ई डी और समांतर क्षेत्रिकाओं, बी ए समांतर है ई डी के बीच स्थित है, तो हमने क्या ले लिया बी ई डी बराबर ए ई डी। यदि त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो क्षेत्रफल बराबर होते हैं दोनों, और हमने ई एफ डी को घटा दिया, दोनों का रूप घटाया तो हमारा इस प्रकार ये आंसर आ गया। अब फिफ्थ देखिए कि बी ई सी में ए डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ये पूरा फॉर्मूले में हमने इसका मान रख दिया। अब एल ई डी में ई एल स्क्वायर और ये दोनों में से माइनस कर दिया तो इस प्रकार हमारा आ गया। इसी प्रकार ए एफ डी में देखेंगे तो हमने इनकी इंटू कर दी और हमारा समीकरण नंबर 5 बन गया। ई डी एफ में ये आ गया समीकरण नंबर 6, समीकरण 5 और 6 से हम देखेंगे तो ए एफ डी बराबर 2 FED और बी एफ ई इक्वल टू 2 FD तुलना करने पर। अब देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन बी डी ई 1/4 ABC समीकरण नंबर 1, बी ई एफ प्लस एफ ई डी 1/4 ए बी सी का कर दिया। इसी प्रकार हमने फॉर्मूले को पूरा 1/4 में रखते चले गए और ये 2 ABC होता है, इसका मान हमने यहाँ पुट कर लिया, ये आ गया 1/AD, ये 3 आ गया, इस प्रकार इसको माइनस कर दिया ए डी में से, 3 FED 1/2 FC माइनस 2 FD समीकरण नंबर 7 ले लिया। अब पूरा हमने पूरा प्रोसेस इसी प्रकार कर दिया तो हमारा आ गया 4 FED 1/4 और ये आ गया FED 1/8 FAFC। तो आज हमने क्या सीखा कि किस प्रकार हम समीकरण को लेकर हम किसी भी चतुर्भुज के मान को निकाल सकते हैं, त्रिभुज के मान को निकाल सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।